तो आखिरकार दिल्ली सरकार को करीब 3,000 करोड़ का घाटा कैसे हो गया यार? जी हाँ, पूरा मामला है दारू का और कहानी शुरू होती है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 से, जिसके अंतर्गत सीबीआई ने अपनी जांच में यह पता लगाया कि सरकारी ठेकों की दुकान दिल्ली सरकार द्वारा प्राइवेट वेंडर्स को कौड़ियों के भाव दे दी गई। और इस नई पॉलिसी के बदौलत उनका मार्जिन जो पहले 5.7% हुआ करता था वह 989.3% पहुंच गया यार। फॉर एग्जाम्पल, पिछली पॉलिसी में 530 रुपए की एक बाट ले आया करती थी, जिसमें से 33.35 रुपए प्राइवेट वेंडर्स ले जाते थे, लेकिन इस नई पॉलिसी के आते ही वही बाटली 560 रुपीज की हो गई, जिसका 363.27 रुपया प्राइवेट वेंडर्स ले गए यार। इसलिए ऐसी बच्चों वाली स्कीम से दिल्ली सरकार को घाटा तो उठाना ही पड़ेगा। तभी एलजी के कहने पर सीबीआई ने मनीष भाई को कोने में ले रखा है और पूछताछ कर रहे हैं। यार ये अपना केजू भाई सोच रहा था कि यार बाटली बेच के यार जो टैक्स जमा होगा उससे यार लोगों के बिजली के बिल भर दूंगा, लेकिन यार उसकी किस्मत ही खराब है यार, सांप को पाल रहा था। बाकी मामला तो सरल है ना यार, तो सब्सक्राइब कर दो।